फिफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्वकप उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदेवाई भुवनेश्वर पहुंचले दुई केन्द्रमंत्री। अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उत्साहित करने भुवनेश्वर पहुंचले केन्द्र आईन मंत्री किरण रिजु एवं क्रीड़ा युव व्यापार राष्ट्रमंत्री नीतीश पारिमाणिक। आज दिन भारत ओडिशा एवं भुवनेश्वर पर ऐतिहासिक दिन, भविष्य में भारतीय फुटबॉल पर माइलस्टोन हेबो, इतिहास पृष्ठारे आज दिन स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध हो रहा बोली कहते दुई केन्द्रमंत्री। अपने भारत के महिला टीम जो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने जा रही हैं, उनको समर्थन देना, चेयर अप करना और देशवासियों के ओर से उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब तक खुद स्टेडियम में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं होता है, इसलिए हम खुद यहाँ भुवनेश्वर आए हैं। आज भुवनेश्वर में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का उद्घाटन भी है और हम लोग सब यहाँ उद्घाटन समारोह में शरीक भी होंगे और खेल को भी देखेंगे और ख़ास करके हमारे अंडर 17 वुमेन टीम को चीयर करने के लिए आए हैं। फिफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्वकप उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदेवाई भुवनेश्वर पहुंचले दुई केन्द्रमंत्री। अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उत्साहित करने भुवनेश्वर पहुंचले केन्द्र आईन मंत्री किरण रिजु एवं क्रीड़ा युव व्यापार राष्ट्रमंत्री नीतीश पारिमाणिक। आज दिन भारत ओडिशा एवं भुवनेश्वर पर ऐतिहासिक दिन, भविष्य में भारतीय फुटबॉल पर माइलस्टोन हेबो, इतिहास पृष्ठारे आज दिन स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध हो रहा बोली कहते दुई केन्द्रमंत्री। अपने भारत के महिला टीम जो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने जा रही हैं, उनको समर्थन देना, चेयर अप करना और देशवासियों के ओर से उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब तक खुद स्टेडियम में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं होता है, इसलिए हम खुद यहाँ भुवनेश्वर आए हैं। आज भुवनेश्वर में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का उद्घाटन भी है और हम लोग सब यहाँ उद्घाटन समारोह में शरीक भी होंगे और खेल को भी देखेंगे और ख़ास करके हमारे अंडर 17 वुमेन टीम को चीयर करने के लिए आए हैं। मनरे कोह ओ क्रोध कहा को पचारिबे प्रश्न किए देबो उत्तर आपणंक प्रश्नर बेसालिस मंच प्रश्न काल सोमवार रु शुक्रवार राति 8:30। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखुछ आमे लड़ीबु साधारण ओडियांको न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती किए भी पार्टी रे तुंडी देई बसु किंतु आमे कहिबु रोक ठोक।